नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं और मैं जीतन कुमार हूं। 4 फरवरी भारत के होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री अमित शाह देवघर आ रहे हैं। देवघर के जर्सिटी में इंडस्ट्रियल एरिया में इफको नैनो फर्टिलाइजर के द्वारा उनके द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। इस बीच तैयारियां पूरी कर ली गई है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक मशाल जुलूस भी आज शाम निकाला जाएगा। लगातार के संवाददाता ने उनके रात्रि विश्राम की पुष्टि के लिए कई लोगों से संपर्क भी साधने की कोशिश की, लेकिन यह भी कोई नहीं बता सके। डाबर ग्राम के पास मेहर गार्डन में कुछ विशेष व्यवस्था की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि तैयारियां कितनी जोर शोर से की जा रही हैं। आपको बता दें कि अमित शाह बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण और पूजा में शामिल होने के बाद अपने दिन भर के दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जसीडी में औद्योगिक क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन इकाई का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे और तिवारी चौक के पास आरके मिशन में भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस बीच देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट से भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जिस रूट से गुजरेंगे संभवतः पूरी सुरक्षा जो है चाक चौबंद रहेगी। व्यापक इंतजाम किए हैं कि उससे आम जनों को भी कोई असुविधा नहीं हो और माननीय मंत्री जो आ रहे हैं उनका प्रोग्राम सुविधापूर्वक तरीके से संपन्न देखिए। सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी टीम्स हैं, जो भी जरूरी टेक एक्सपर्ट्स हैं, वो सब लोग आ रहे हैं। कल की तैयारी किस प्रकार है और अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को साधने की भी संथाल पकना दौरे पर आए हैं। देवघर लाइव लगातार, जीतन कुमार।